अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। और 2 दिन छुट्टी के बाद आज व्लॉग बन रहा है क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट था, एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहा था। और माशाल्लाह से एग्ज़ाम बहुत का मतलब बहुत ही अच्छा गया। आप लोगों ने तो एग्ज़ाम के लिए दुआ नहीं किया होगा क्योंकि व्लॉग ही नहीं बन रहा था और ना ही आप लोगों को पता था। तो अब रिज़ल्ट का दुआ करें, 1 मंथ बाद रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा और आप लोग दुआ करें कि रिज़ल्ट अच्छा है। और कराची में 2-3 दिन से बहुत लेवल की सर्दी है यार, हाथ बिल्कुल बर्फ़ हो रहा है, तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा ही ठंड है कराची में, और पहली बार मैं अगर बताऊँ ना तो पहली बार इतनी सर्दी मैंने देखी है कराची में। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज दोस्तों के साथ प्लान है आउटिंग पे जाने का। कराची में ईद फेस्टिवल लगा हुआ है काफ़ी अच्छा, और ईद फेस्टिवल जो ओपन होता है वो 5 बजे के बाद होता है, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेट्स सी जाते हैं या नहीं जाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ शावर लेने और कपड़े वगैरह चेंज करने, फ्रेश हो चुका हूँ। और यहाँ नहाने में बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था, और अभी मैं जा रहा हूँ किसी से मिलने, उससे काम है मुझे। अभी फारिग होकर आया और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है मुझे। बात जी, आज मामा ने खाने में बिरयानी बनाया है, तो टेस्ट करते हैं बिरयानी कैसा बना है। देखने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, इसको चेक करते हैं। खाना वगैरह खा लिया और अब मैं जा रहा हूँ शॉप, उधर से भी आऊँगा थोड़ी देर बाद क्योंकि आज सुबह से गए ही नहीं हूँ। अभी 3 बज रहा और इस टाइम मैं भी शॉप जा रहा हूँ। मैं शॉप से आया था और अपना कपड़ा चेंज कर लिया क्योंकि वो कपड़ा गंदा हो गया था शॉप में, तो अभी कपड़ा चेंज किया। अभी जा रहा हूँ दोस्त के साथ कहीं बाहर, लो वहाँ का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया ईद फेस्टिवल का, उधर नहीं जा रहे हम लोग। अभी आसान के साथ आया हूँ मैं इधर चैलेंज करने गोलगप्पे का। अभी इधर हम लोग गोलगप्पे बनवा रहे हैं अपना, और ये चादर कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताना। आसान क्या, अगर अच्छा लगा मैं ले लूँगा। तो अभी ये गोलगप्पे बन रहा है, ये 2 दर्जन है, दोनों का चैलेंज होगा। कौन सी चटनी है भाई? मीठी मीठी चटनी है। ग्रीन चटनी का रायता, ये ग्रीन चटनी का रायता। बकरी, ओहो मसाला भी डलना। ये कौन सी चटनी? अच्छा यही है, रेडी हो गया। तहसीन इधर बैठे हैं आज ब्लैक ब्लैक दोनों भाई। ये देख, अगर कमेंट्स में आया ये चादर अच्छा लग रहा है तो ये चादर मेरा, ठीक है। ये शॉल शॉल सही है ना? सही है भाई, सही है ना? बस अभी अगर आया कमेंट तो ये मैं ही दूंगा। अभी गोलगप्पे आ रहा है और चैलेंज है कितने कितने वाला लगा लो आप। 50,000। ओह झूठ बोल रहा है। 50,000 मोबाइल निकालो, टाइमिंग लगाएंगे टाइमिंग। ये आ गया हम लोगों का गोलगप्पा, इसको गोलगप्पे छोले के साथ मिलाते हैं। अभी इतना बड़ा मुंह में नहीं, कैसा बना? आसान मज़ेदार, अच्छा मज़ेदार।
आसान ने चैलेंज से मना कर दिया, बोले नहीं यार चैलेंज नहीं लगाएंगे। चैलेंज लगा हुआ है, लगाओ मोबाइल निकालो, टाइमिंग लगाओ टाइमिंग। रेडी? हाँ रेडी रेडी। इसका स्पीड सबसे ज्यादा है देगा। खाने पीने के मामले में आसान से कोई नहीं जीत सकता, ये चैलेंज जीत चुका है और मेरा भी सात दाना बाकी, इसने पूरा अपना ख़त्म कर दिया। वाह आसान बेस्ट। अब मैं आराम आराम से खा के इसको मैं तो अपना ख़त्म करूँ। मेरे से भी खाना है? हाँ नहीं शरीफ है, मेरे से नहीं खाएगा, मैं अपने ही खाऊँगा। आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, इस वजह से मैं भी टेरिस पर आया हूँ। सामने चील मुझे ऐसे देख रही है, ऐसे लग रहा मारेगी, उड़ गई। अब ऊपर कदम रखा क्योंकि डर लग रहा था, वो काफ़ी देर से मुझे देख रही थी और मैं व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था। मैंने बोला पहले उसको भगाऊं फिर उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करूं। वो शाम का व्यू, ओह माशाल्लाह, हवा भी ऐसी चल रहा है जिस तरीके से मौसम हो रहा है। तो अभी इधर बैठूँ, फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा, फिर नीचे चले जाऊँगा। बस थोड़ा ही सही टाइम बाकी है मगरिब होने में। यार ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ पहनना अच्छी बात नहीं होती। बस मैं अभी जो दोस्त का शॉल वगैरह लिया हुआ था उसमें पिक्चर्स वगैरह ली और रील्स वगैरह बनाया, तो मैं ये पहना हुआ था। इसको मैं उतार दूँगा ना कमेंट में सारे बोलेंगे ये हराम है, मुझे भी पता है ये हराम है, इसको पहनना नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ ना तभी ये पहनता हूँ। और हाथ में रिंग्स वगैरह भी आप लोगों ने इंस्टा रील्स पे देखा होगा कि मैं जब रील्स बना रहा होता तो हाथ में रिंग्स वगैरह होते, मैं सिर्फ बनाते वक्त पहनता हूँ। उसके अलावा मेरे हाथ में सिर्फ एक वॉच के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो मैं इसको सबसे पहले उतारूँ, ठीक है ये उतर गया। अब कोई कमेंट्स में बोलना नहीं कि आपने ये क्यों पहना हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, 3 घंटे बाद अभी व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं जब टेरिस से आया था सो गया था। अभी सो कर उठा हूँ और 9:30 हो रहा है और मैं बैठ खाना खा के अभी फारिग हुआ, सो गया था, नींद आ रही थी काफ़ी तेज़ मुझे ना। सच में व्लॉग का याद नहीं था कि मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं दो दिन नहीं बनाया था ना व्लॉग, तो इस वजह से मुझे आज भी याद नहीं था कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मैं अभी सो कर उठा, मैं खाना वाना खा के अभी भी मैं जाके अपने जो आज पिक्चर ली ना, पिक्चर और रील्स वो एडिट कर रहा था। अचानक से मुझे याद आया, अभी 5 मिनट हुआ है मुझे उठे हुए, 10 मिनट हुए, खाना खाया फ़ौरन और भी मैं अभी लेटर ही था, मुझे फ़ौरन याद आ गया कि यार आज तो व्लॉग बना है, व्लॉग कहाँ तक बना है देखो। फिर अभी मैं देखकर अभी रूम में आया हूँ, मैंने कहा कि यार व्लॉग को कंप्लीट करना है व्लॉग, वरना आज की भी छुट्टी हो जाती व्लॉग की। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा काम करना, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि क्या काम है, लैपटॉप में काम करना फिर करेंगे उसके बाद व्लॉग को एंड। मुझे काम ये था, मैं अपना पिक्चर वगैरह एडिट करना था, ये कश्मीर पॉइंट का पिक्चर है तो मैं भी इसको एडिट वगैरह कर रहा हूँ। जल्दी से ये इसको एडिट करके फारिग करूँ, फिर मुझे इंस्टा रील्स वगैरह भी एडिट करना है। काम जो था वो शॉर्ट था, मुझे पिक्चर एडिट करना था और पिक्चर एडिट हो गया तो मैंने बोला पिक्चर भी एडिट हो गया तो व्लॉग को भी एंड कर दूँ, क्योंकि मैं अभी जो काम करने बैठूँगा 11 बजे, आप लोगों को पता है सुबह 4-5 बजे तक मैं काम ही करता हूँ अपना, तो इतने देर तो आप लोगों को अपने साथ व्लॉग में बोर नहीं कर सकते ना, इस वजह से मैं आया हूँ व्लॉग एंड करना। और आप लोग ये बताएं ये शॉल मुझ पर कैसा लग रहा है? और वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था जो दोस्त के पास कलर था, ये ब्लैक है, ब्लैक के साथ ब्लैक इतना सूट नहीं करता लेकिन ये भी सही है चलेगा। तो जल्दी से करते चैनल को सब्सक्राइब, जो आज के बाद आप लोगों को काफ़ी इन्जॉय होगा व्लॉग में, काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप लोग। तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।